नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। लगातार हम आपको राजनीति चर्चा दिखा रहे हैं चुनाव को लेकर के, किस तरीके से टिकट के जो दावेदार हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव होके चुके हैं और उसमें भाजपा ने अपनी 10 में से 5 सीटें गवा दी, और जिसका कहीं ना कहीं कहे के जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से लोकसभा के प्रत्याशी थे भाजपा के, उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था, चुनाव के बाद भी कहा था कि किस तरीके से कुछ मामले हैं जो उनको नुकसान दे हुए, एक तो बार बार लाइट कटना, पानी की व्यवस्था ना होना, तमाम चीजों के आरोप भी लगाए थे, और कह के जब टिकट बट रही थी उस पर लेकर के भी बहुत कुछ उन्होंने कहा था। तो ये तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे, क्या उसके बाद कोई भाजपा ने सबक लिया है, क्योंकि अब जो ताजा मामला है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है और ये ऊपर से लेकर के नीचे तक तमाम मामले हैं करनाल के अंदर, जिस तरीके से वीडियो सामने आया कि मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और जब ऐसे में लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से बात की जाती है तो किस तरीके से वो चुन चुन करके जवाब देते हैं, स्लो स्लो धीरे धीरे बोलते हैं ताकि लोगों तक उसकी बात भी पूरी तरीके से ना जा सके। हालांकि ये तमाम चीजें वीडियो हमने देखी है, बातचीत करेंगे। पैनल पे हमारे साथ है प्रवीण रावत भोभी जी, और साथ के अंदर है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, और नागौर से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र चौधरी जी, साथ के अंदर है विनय यादव जी। तमाम लोगों से हम बारी बारी बात करेंगे टिकट को लेकर के जिस तरीके से। हालांकि केशव जी जी, मोहन जी, मैं बाकी लोगों से अपील करता हूँ, जितने में आऊं लोग अपने अपने मोबाइल को थोड़ा सा म्यूट कर ले ताकि आपके पीछे की आवाजें ना आए। पहले मैं केशव जी के पास आ रहा हूँ, आपके पीछे जो आवाज चलती है म्यूट रहे, केशव जी से बात करें। केशव जी क्या कहेंगे जी, करनाल से जो तस्वीरें आई, आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार की एक शर्मसार तस्वीरें, और आपके सेक्टर 3 से भी ऐसी हालात पिछले दिनों देखा था हमने रविवार को, क्या कहेंगे आप? मोहनलाल जी, सबसे पहले आप तो भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में हो वो भ्रष्टाचार ही होता है, और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए चाहे रातों काम चल रहा है या दिन में काम चल रहा है, ये सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। मैं आपको बताऊं बात, ठेकेदार जो लोग हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसको आप लीपापोती से बोलने, मैं मानता हूं जो अधिकारी भी कुछ इसमें मिले होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं इसका ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इसमें बारे में कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि भाजपा सरकार के अंदर नहीं है, भाजपा सरकार के अंदर, परंतु जो ठेकेदार है जिनको 10 साल से 15 साल से जिनको भलाई खाने की आदत थी, वो अभी भी जैसे रेवाड़ी के अंदर काम चल रहा था, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप तो रेवाड़ी की बात करें, करनाल चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको रेवाड़ी के ठेकेदार की उसकी दशा आपको दिखा दूंगा। मैं तो उसका प्रदेश की बात कर रहा हूँ भैया, हम रेवाड़ी में तो प्रदेश में नहीं है क्या, पूरे हरियाणा में है। मोहनलाल जी, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, वही आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उस कोई भी ठेकेदार को जैसे भी मामला संज्ञान के अंदर आता है, बरसात के अंदर खासकर ये एक 10 साल का 5 साल का छोटा बच्चा ही बता देगा कि तारकोल का पानी तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और जिसने वो काम किया है उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो आप मोर्चा रेवाड़ी का देख लेना, आप चाहे करनाल का देख लेना, उसका बिल्कुल पास नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो भ्रष्टाचारी को लीम बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, मोहनलाल जी बिल्कुल नहीं बख्शेगा किसी हाल में। मंत्री बनवारी लाल है जो बावल से विधायक है, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, क्या उनके संज्ञान में नहीं है, उनका महत्व है, अगर सरेआम बन रही है, विजुअल सामने आ रहे, और रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 3 में बोबी राव के घर के सामने बन रही थी, मोनू राव एडवोकेट ने उसको जाकर के रुकवाया है, तो आप ये बताइए ना, मतलब कहीं कोई महकमे के जो मंत्री है उनका अपना हैक नहीं है, वो पहले सहकारिता विभाग से उनका मामला आपने देख ही लिया होगा, सहकारिता महकमा जो पहले मोहनलाल जी, पीडब्ल्यूडी जो महकमा है, ये लोक निर्माण का जो महकमा है वो एक बहुत बड़ा महकमा है, देखिए पूरा हरियाणा है, मैं उसको ये नहीं कह रहा, मैं आपके दावे से ये भी कह रहा हूँ, मैं कोई इसके बनवारी लाल जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या उनका मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इतना दावे से आपको कहता हूँ कि जिसने भी जो भी इस मामले को संज्ञान के अंदर लाया, आपने चैनल पे आज बोला, 2 दिन पहले भी आपने दिखाया, वो सब चल रहा है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो ठेकेदार किसी का भी आदमी हो, मोहनलाल जी बख्शा नहीं जाएगा, उसका बिल्कुल पास नहीं होगा। रोड की यही तो आपसे मुझे तो सबसे बड़ी बात दिक्कत नहीं है, आप आदमी बताते हो, वो किसी ने सगाई करके मेरा गवर्नमेंट ने ठेका दे रखा है, ठेकेदार गवर्नमेंट का, ठेका गवर्नमेंट ने दिए थे, क्यों नहीं गवर्नमेंट देखती है, बताइए आप, इसमें आदमी का किसी से क्या मतलब है, सरकार मैं कह रहा हूँ, मैं 5 सीटें गवा के भी अकल नहीं आ रही ठिकाने। मैं मोहनलाल जी बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो भी ठेकेदार काम कर रहा है उसके ऊपर जेई की
खासकर जिस इलाके के अंदर काम होता है उसके जेई की उसकी जिम्मेदारी है, उसके एसडीओ की जिम्मेदारी है, खाली ठेकेदार का काम नहीं है। ठेकेदार को कोई नहीं है, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, मंत्री की। मैं तो मोहनलाल जी कह ही रहा हूँ कि मैं इसमें आपको कह ही रहा कि बनवारी लाल जी का इसमें को नहीं है, लेकिन बनवारी लाल के नीचे जो महकमे के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं हर जगह बनवारी लाल जी तो जाएंगे नहीं, या बनवारी लाल जी खुद तो टेंडर करते नहीं। फिर सीएम क्या कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, क्या कर रहे हैं, उनकी देखरेख में क्या हो रहा है, उससे पहले खट्टर साहब थे उन्होंने क्या कर लिया, भाई कोई देखेगा धनी थोड़ी है हरियाणा का नहीं है। मोहनलाल जी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसी सरकारों के अंदर आप देख रहे हैं जिसने भी खासकर सरकारी घोटाले के अंदर सरकार का पैसा खाया है, इसी सरकारों में आपने देखा है, पिछले सरकारों को छोड़कर इन सरकारों के अंदर जितने सरकारी आदमी जेल के अंदर गए हैं, जितने विजिलेंस से मुकदमे दर्ज करे, पिछली सरकारों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोहनलाल जी चलिए बोबी लाल जी को देखेंगे, आप अनम्यूट कर ले बोबी लाल जी को देखेंगे, बोबी लाल जी अनम्यूट कर ले अपने आप को, कैसे भी अनम्यूट कर ले ताकि आवाज अब आपके पीछे की ना है, क्योंकि हम शांति प्रिय डिबेट करते हैं, लोगों को समझ में आए। बोबी राव जी आप ही के घर का मामला, पहले सहकारिता महकमा आपने खोला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था सोसाइटियों का, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए हैं, अरे भैया सबके सामने वीडियो आ रही है, रेवाड़ी में भी यही हाल है, बरसात में सड़क बन रही है, अरे भाई कहाँ सो रहे थे, और जब मीडिया आपसे सवाल करता है तो आप ऐसे बोलते जैसे कान के अंदर गुटर को बोलता हो, भाई आप फर्राटेदार बताओ कि कमियां क्या है, हम तो मीडिया के अंदर देख रहे हैं जिस तरीके की मीडिया में खबरें आ रही है, आदमी को बोलना चाहिए। मोहन लाल जी ये बनवारी लाल नाम का जो व्यक्ति है वो इस वक्त पिछले 6-7 साल के अंदर भ्रष्टाचार की सभी परिकाष्ठा पार कर गए हैं। मनोहर लाल जी के चेहते हैं, या तो मनोहर लाल जी के पास भी इसकी कमाई का हिस्सा जा रहा है, सच्चाई बात तो ये है, जब वो करीब करीब 200 करोड़ रुपए की सहकारिता विभाग के घोटाले को मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि तो 1.5-2 करोड़ का ही घोटाला हुआ, और प्रदेश के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये तो 150 करोड़ तो आ चुके हैं, ऊपर अभी जांच जा रही है, तो मनोहर लाल जी इसको बताने की खींची देने की कोशिश कर रहे थे। और भाई चुनके यहां गए राव साहब के आशीर्वाद से, टिकट मिली राव साहब के आशीर्वाद से, और पैसा कमा के भ्रष्टाचार किया तो फिर आशीर्वाद ले लिया मनोहर लाल जी का, तो इनसे ज्यादा चालाक और चतुर आदमी हरियाणा में कहां आ सकता है। मगर हाँ एक बात भी है, केशव जैसे कह रहा था कि भाई भ्रष्टाचार लोग भाई सरकार नहीं देख रही, लोग देख रहे हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी, ये लोग करेंगे इस बार, जब ना रहेगा बांध ना बजेगी बांसुरी, जब बीजेपी सरकार में नहीं आएगी, बीजेपी के इटसेल्फ 4 या 5 विधायक आ रहे, आज तक जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि बीजेपी की हरियाणा में 4 या 5 विधायक आ रहे हैं, सिर्फ उस 4-5 विधायक में इन मासे जी का नंबर तो है नहीं, तो वो तो इलाज इस बार हरियाणा की जनता है वो इलाज करने को तैयार बैठी है, और तैयार इलाज होगा, 100% इलाज होगा, पूरी पार्टी का इलाज होगा। वो तो ये कह रहे हैं मैं 3 महीने पहले आचार संहिता लग रही थी, 3 महीने से खुली है, तो हम दमादम काम कर रहे हैं, फटाफट काम हो जाए, लेकिन सवाल ये ना बारिश में फटाफट काम होता है क्या, आप कहाँ सो रहे थे? सर सुनिए काम करने के, सर सुनिए हर एक ठेकेदारी में या हर एक महकमे का हर एक प्रोटोकॉल होता है। 1 जुलाई से हरियाणा में सारे भट्ठे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ईंट बनेगी भाई कोई भी हादसा हो सकता है, पानी का गेट है कुछ पड़ सकता होता है, ईंट की नहीं होती है, ऐसे ही माइनिंग का काम है, माइनिंग का काम सारा बंद हो जाता है, 1 जुलाई से 3-4 महीने बंद रहता है, ऐसे ही निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य ही बंद हो जाते हैं, सरकारी इतने ही निर्माण कार्य, बड़े निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं, सड़कों का निर्माण है वो बंद हो जाता है। अब ये तो मास्टर जी इनको पता है 3 महीने के बाद आने नहीं है अपने पैसे इकट्ठे करना, या तो ठेकेदार से पहले पैसे ले लिए होंगे, या पैसों की किस्त आ रही होगी उसलिए काम करवा रहे, नहीं तो कोई भी सरकार काम नहीं करवाती। ये तो सरकार की एक गाइडलाइंस है, आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से किसी भी सरकारी संस्था में जाके जो सरकारी अफसर रहा है, अभी अपने एक अपने जो पैनल पे नारों से बैठे हैं सरकारी अफसर रहे हैं ये भी एफेड के अंदर, आप इनसे पूछ रहे ना तो इसी बारिश ताकि उनका आदमियों का काम आ सके, वो भी जीएम एफेड के, वो भी हाँ जीएम सर जीएम रहे हैं, तो आप जीएम साहब से पूछ रहे ना, सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि मानसून मौसम में होते ही कोई भी सिविल वर्क कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क
कोई भी माइनिंग का, कोई भी भट्टे का, इस प्रकार जो काम होते हैं कोई भी काम नहीं होते हैं, ये यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, मगर हरियाणा तो एक विचित्र प्रदेश है क्योंकि एक सरकार बड़ी विचित्र चल रही है। लेकिन तो बड़ी बड़ी जो जो विचित्र सरकार में सारे काम इसी में ही तो ये सवाल जोड़ रहा हूँ, जो टिकट के दावेदार है अब जनता किस पे यकीन कर ले कि भाई आपको विधायक बनाएंगे, आप ईमानदारी से काम करोगे, भाई डूब के जला हुआ छाछ के फूंक मार के पी रहे हैं, भाई हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग बरसात के अंदर जो है मानसून का आनंद नहीं ले सकते, अधिकारी नेता मंत्री होटलों के अंदर बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, उनको हमारे पैसे से कोई सरोकार नहीं, हमारी परेशानी से कोई सरोकार नहीं, रेवाड़ी का हाल आप देख रहे हो कैसे घर घर के बाहर पानी भरा है, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बरसात हो जाए दो बूंद भी तो आप निकल सको। अरे भाई जब सड़कें बननी थी, जब पूरा महीना था पूरी गर्मी की लू चल रही थी, तब ये कहां सो रहे थे? बोल लाल जी, ये जितने टिकट के दावेदार है या मंत्री बने बैठे हैं, आप क्या अभी आप अगर एक जनमत संग्रह करवा लो कि बनवारी लाल कितने वोट का कितनी इसका आदमी है, तो आपको कोई भी आदमी मतलब एक रेंडमली कोई भी इस इलाके का आदमी वो कह सकता है कि बनवारी लाल अपने बलबूते उसकी 1500 से 2000 वोट से फालतू की औकात ही नहीं है। वो किसके रहमो क्रम पे एमएलए बन गया, ठीक है, तो जो रहमो क्रम पे है ऐसे ही जो एमएलए की तैयारी कर रहे हैं वो सारे रहमो क्रम वाले हैं। इन रहमो क्रम वालों को ये तो अपनी वो है ना अवसर में आपदा में अवसर किसका अवसर लग जाए, लॉटरी खुल जाए तो अपने पैसा समेटो और अपने घर चलो। वो तो अपने राव पहचान करने में मात खा जाते हैं क्या? राव के पास इतना तजुर्बा 50 साल की राजनीति का, वो नए नए लोगों को ले आते हैं और इतनी मात खा जाते हैं कि विक्रम से मात खाई, क्या हासिल हुआ भाई साहब लेकर के आए, क्या हासिल हुआ, किस तरीके से दाग राव के तक पहुंचे? छोड़िए, अब जो कह रहे हो राव साहब मार कर, राव साहब एक ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं, अब वो ईमानदार व्यक्ति है किस्म के तभी तो परसों अमित शाह उनके मुंह पे बोल के चले गए कि तुम्हारा लेना देना क्या मुख्यमंत्री पद से, सैड़ी साहब मुख्यमंत्री होंगे। तो राव साहब के साथ तो यही स्थिति है कि राव साहब को कोई आओ बेवकूफ बना के चले जाओ। तो राव साहब को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है क्या भाई? राव साहब भी राव साहब हमें 3 दिन खबर चलाए हो गए, राव साहब के साथ तो पहली बार तो करा नहीं है, 2014 से राव साहब के साथ किया, 2014 में इनको भगा करके लेके आए, कान में क्या करके आपको सीएम बनाएंगे, और जो किसी साहब को बता दिया राव चुपचाप। मैंने आपको डिबेट शुरू होने पर ही बता दिया कि इनका इस बार जो मैक्सिमम जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 5 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 स्कोर कार्ड रहना है, ये आपको मैं निश्चित तौर पर बता दिया। इसी 5 स्कोर कार्ड के अंदर सब कुछ है कि राव क्या करेंगे, कैसे होगा, क्यों है, बता दिया मैंने आपको। ये आगे आने वाले समय जो आपने बता दी, सुरेंद्र जी को जोड़ लेते हैं। सुरेंद्र जी, जी भाई आपसे जीएम रहे हैं, सरकारी अधिकारी रहे हैं, क्या आपने भी जीएम रहते हुए ऐसे बरसात के अंदर कुछ काम करवाए हैं क्या, निर्माण कार्य हो जाए या फिर आप अटड़ के रहे हैं तो भाई गेहूं में डाल दो अपने 5-7 खोल दो तिरपाल का मुंह और गेहूं गीले होने दो, फटाफट बाद में वजन बढ़ जाएगा, 5-7 लाख रुपए की आपने आमदनी बढ़ जाएगी, यानी कि आपने भी ऐसे। मोहनलाल जी ऐसा है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का अलग विभाग है, कंस्ट्रक्शन की हमारी ठीक है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, गेहूं तो खरीदारी आपकी होगी, सरसों आपकी होगी, क्या आने दो उसे टेंड में से पानी आने दो, गोदाम में भर जाने दो, बाद के अंदर जब जाएगी गवर्नमेंट की गेहूं सरसों तो खूब मोटी कमाई हो जाएगी। नहीं, होने को तो ऐसे कई जगह कांड हुए भी हैं, लेकिन हम तो भारत सरकार के लिए प्रोक्योरमेंट करके उनको हैंड ओवर करते थे किसानों से लेकर के, हम तो बीच में एफेड एक एजेंसी थी जो किसानों से इंडस्ट्री पे खरीद के और भारत सरकार को एफसीआई को नेफेड को उनको हैंड ओवर करती थी, मेन काम हमारा ये था उसके अंदर। लेकिन जो अब जो जैसे भोभी जी ने आपका जिक्र किया, भाई बरसात चल रही है, मानसून आ गया, अब आप सड़क निर्माण करके दिखा रहे हो, सारे मीडिया चल रही है, देखिए अब तक शर्म नहीं आती इस तरीके की तस्वीरें आती है। तो गोपी राव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2014 में जब हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तब उन्होंने कहा था ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे और भ्रष्टाचार में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति होगी, लेकिन आज प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है। पहले ये कांग्रेस की दुहाई देते थे, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था, मैं मानता हूं भ्रष्टाचार था, लेकिन भाजपा के राज के अंदर वो भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। अब ये करनाल की जो बातें हो रही है, रात को
पानी के बरसात के अंदर सड़क का बनना, ये सरासर भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि भाई तारकोल का भी जैसे बता रहे थे केशव जी, तारकोल का इसका बैर है पानी का, और जब ये सड़क बनेगी तो बरसात के अंदर इसको टूटी हुई दिखा करके इसको खुर्द बुर्द कर देंगे और इसको फिर एक नए सिरे से 6 महीने के बाद में फिर इसका बजट होगा। मैं आपको मोहनलाल जी, नारनौल के अंदर आप नारनौल के रहने वाले हैं, आपने यहाँ देखा होगा छलक नाला है, हमारे यहाँ छलक नदी हुआ करती 100 फुट चौड़ी, लोगों ने कब्जा करके उसको छलक नाला बना दिया, वो नारनौल की जीवन रेखा थी और उसके अंदर से आसपास के गांव का और शहर का सारा पानी निकास होता था। हमारे विधायक ओम प्रकाश जी ने जब मुख्यमंत्री आए 2018 के अंदर तो आईटीआई में जनसभा के अंदर उनसे इस नाले को कवर करके और इसके दोनों तरफ दुकानें बनाना और उसकी मांग की थी, मुख्यमंत्री ने मौके पर 28 करोड़ रुपए इसके मंजूर कर दिए, लेकिन अधिकारियों ने उसको नाले की ड्राइंग बदल दी पूरी, ठेकेदार से मिलके उसका बजट बढ़ा दिया 28 से 38 करोड़ रुपए, और पिछले 5 सालों में वो नाला अधूरा पड़ा है, और लोग रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं। अब बरसात में, जरासी बरसात में शहर के अंदर कई मोहल्ले में घुटनों घुटनों पानी आ गया, अगर बरसात खुदा ना खास्ता दिल्ली जैसी बरसात अगर नारनौल में आ गई तो ये शहर को डूबने से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अधिकारी सोए हुए हैं, अफसरशाही हावी है और सरकार के हाथ में इनकी बिल्कुल भी कंट्रोल है ना नकेल है। ये ऊपर से नीचे तक चैन सिस्टम चलता है, क्या लगता है कि जेई एसडीओ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको हवालात में जाना चाहिए, या एक्शन जो नहीं देख रहे हैं, या जो अधिकारी नहीं देख रहे हैं, विधायक नहीं देख रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती, सवाल सबसे बड़ा ये है ना, क्योंकि मैं नारनौल महेंद्रगढ़ आपके डिस्ट्रिक्ट में भी देख रहा हूँ, 4 विधानसभा है क्षेत्र है, अगर एक एक पार्टी के लगाए तो 8-8 आदमी उम्मीदवार मैदान में है, यानी कि 250 आदमी उम्मीदवार मैदान के अंदर है आपके वहाँ। मोहनलाल जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं पूरा चैन सिस्टम है, और अभी बोबी राव जी बता रहे थे बावल से जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता विभाग में 200 करोड़ का घोटाला हो गया, उसमें कोई कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उनको प्रमोशन कर दिया, पब्लिक हेल्थ और B&R का महकमा दे दिया कि लूटो और खाओ। तो ये जो है इस सरकार की नीति दोगली नीति है, इनका चाल चरित्र बिल्कुल अलग है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। चलिए ठीक है, मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी भाई क्या होगा इस प्रदेश का, यानी कि 5 सीटें गवा करके भी अकल ठिकाने नहीं आ रही, सुपड़े साफ करवाना है इस बार, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस उग्र है कि भाई हरियाणा में तो इतना भयंकर भ्रष्टाचार, अब तो भरी बरसात में सड़क बना दी जाती है, यानी कि कागजों में सारे काम हो रहे हैं। देखिए कमाल की बात यह, रेवाड़ी तो को देखिए आप, छलक नाले की आपने किस्सा सुन लिया नारनौल का, कि कैसे देखे छलक नाले का काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी इस तरीके के अब तक नाले देखे सफाई नहीं हुई है, लगातार हम कह रहे हैं कि नालों का काम निर्माण पूरा होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। सेक्टर 3 में बोबी राव जी के घर के सामने सड़क बन रही है, बरसात में करनाल में बन रही है, यानी कि सब कुछ, यानी कि अंधेर नगरी चौपट हो जा, कोई रोने धोने वाला नहीं है। मोहन जी देखिए, सरकार के जितने भी आला नेता हैं, जिनको भी प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, देश की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने निजी हित में गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं। उन्हें ना तो अपने सांसदों के घोटाले नजर आते हैं, ना अपने विधायकों के घोटाले नजर आते हैं, ना ही अपने अधिकारियों के, ठेकेदारों के घोटाले नजर आते हैं, क्योंकि उनका हित उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। जैसे गंधारी को दुर्योधन की कोई गलती नजर नहीं आती थी ना, वही हालत आज के समय में सरकार के हैं, चाहे वो भारत सरकार है और चाहे हरियाणा सरकार है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्हीं के जो आज के समय में जो भाजपा के बड़े नेता हैं या और कार्यकर्ता हैं, वो पहले की सरकारों पर आरोप लगाते थे, उनके मंत्रियों ने विधायकों ने घोटाले किए, उस समय अधिकारी दोषी नहीं होते थे, उस समय दोषी होते थे मंत्री और विधायक या सांसद। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड चला दिया, घोटाले करेंगे तो मंत्री करेंगे, सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, फंसाया जाएगा अधिकारियों को, बात अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, अधिकारियों ने घोटाले किए हैं इसलिए वो ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया जाएगा। तो ये एक नए तरह का जो सिस्टम जो चला है ना, ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। अगर सरकार हर मामले पर अपने पल्ला झाड़ के साफ होने के दिखाने की कोशिश करती है, मगर जनता धीरे धीरे सब कुछ समझ गई है, क्योंकि जनता देख रही है
किस तरह का प्रदर्शन आचरण और रवैया सरकार के जो आला नेता हैं जिनको भी पावर दी जाती है वो उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं, जनता को बिल्कुल अंधा और बेवकूफ समझने का काम कर रहे हैं। तो यही पॉलिसी अब चल रही है। अब आप देखिए, अब इनको लग रहा है कि अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, तो ये विधानसभा के चुनाव के अंदर ये जल्दी जल्दी इस तरह की लीपापोती करके पैचवर्क करके काम करके दिखाना चाहते हैं जनता को, देखो हमने सारे काम कर रखे हैं, ताकि विपक्ष को और मीडिया को बोलने का मौका ना मिले, सड़कें टूटी हुई है। मगर असलियत क्या है, पूरे 4.5 साल तक ये कोई काम नहीं करते हैं, 4.5 साल तक जनता का खून चूसने का काम करते हैं, उनको परेशान करने का काम करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो वो चुनाव के समय उनको ये केवल दिखाने का प्रयास करते हैं हमने ताजा ताजा काम किए हैं, ताकि लोग मीडिया के अंदर ये दिखा सके और विपक्ष के नेता ना बोल सके अब फलानी सड़कें टूटी हुई है, वो नाले रुके हुए हैं, उसमें कहेंगे देखो जी अभी सफाई हुई है तो झूठ बोल रहे हैं, 3 दिन पहले ही बनी है, ये झूठ बोल रहे हैं विपक्ष के नेता। तो ये इस तरह की इनकी जो आदत एक मानसिकता बन गई है ना, तो 4.5 साल जनता का शोषण दोहन करो और चुनाव के समय ताजा किया हुआ इनको काम दिखाओ, ताकि लोग उनको विनय जी एक सवाल और जोड़ देता हूँ, ये तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने जितने काम करे हैं आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, पानी से लबारा 13 जगह, टर्मिनल जिस तरीके से बनाई गई, अभी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट। अरे भाई कहीं कोई पैसा लग रहा है, ये आम जनता का पैसा, ये इसीलिए डुबोने के लिए पैसा है क्या, ये ठेकेदारों से मिली भगत है सीधा, यानी कि सीधा दे दो उनको, अरे वैसे दे दो काम भी क्यों दिखा रहे हो, और बड़ी बड़ी फोटोएं खिंचवाते हो आप, बड़े 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 प्रचार प्रसार करते हो, और हकीकत में जब तस्वीरें आती है तो एक एक आदमी खून के आंसू होता है, शर्मसार करने वाली तस्वीरें आती है दिल्ली से, बताइएगा आप। मोहन जी, राम मंदिर का जिक्र आपने अभी किया है तो मुझे पुरी के शंकराचार्य की वो बातें आज भी याद आ रही है, जब मोदी जी जबरदस्ती उनके मना करने के बाद भी राम मंदिर का उद्घाटन आप कहें तो इस तरह से फीता काटने के लिए गए। उन्होंने बार बार इनको चेताया था, उन्होंने ये कहा था कि हम राम मंदिर बनने के विरोध में नहीं है, मगर जो पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, जिस तरह से अधर्मिता की जा रही है, जिस तरह से धर्मशास्त्रों का अनदेखी की जा रही है, उनका विरोध किया जाए, हम उस चीज के खिलाफ है, हम मोदी जी को बचाना चाह रहे हैं, अगर वो ये गलतियां करेंगे, अधूरे मंदिर का निर्माण करेंगे तो वो अपयश होगा, उनको उस चीज का नुकसान मिलेगा और उनको अपयश भुगतना पड़ेगा। चुनावी लाभ के लिए आप अगर इस तरीके के काम करोगे तो ये चुनावी लाभ लेने के लिए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, और अब दिखा रहे हैं बरसात में देखिए हम जो है सड़क बना रहे हैं, अरे लोग अंधे हैं क्या, प्रदेश की जनता दिख नहीं रहा उनको क्या हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या इतनी अकल पे पड़ते पड़ गए क्या कि हम चुनाव के वक्त काम करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसका जवाब दिया ना अयोध्या की जनता ने दिया ना। मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह राम मंदिर का जवाब जो अयोध्या की जनता ने दिया, भगवान राम ने स्वयं दिया, अगर मोदी जी जिस चीज का यश और ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, जिस उसको बुनाना चाहते थे, उसको ही उन्होंने नंगा करके दिखा दिया कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने किया, जो राम मंदिर में पानी आ गया, दीवारें गिर गई, गलियां भरी पड़ी हैं, सड़कें धस गई, वहां की राम जो मार्ग था उसकी, तो ये भगवान ने प्रकृति ने खुद इनको दिखा दिया है कि जिस तरह का आप गलतियां करेंगे, हमारे नाम का सहारा लेकर झूठ बोलेंगे और भगवान को भी धोखे में रखने का काम करेंगे, तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा। यही काम हरियाणा में हो रहा है, अगर हरियाणा में अब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इनके पास समय नहीं बचा है, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारी पुरानी जितनी भी कमियां हैं गलतियां हैं उनको छुपा लें, उनपे पर्दा डाल दें। जिस तरह दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को पर्दा डालकर जब जी समिट हुआ था तो पर्दा डालकर उनको छुपाया गया था, उनकी व्यवस्था नहीं की गई, केवल उनको पर्दा डाल के छुपा गया था, वही काम अब होगा। अब आप मुझे बताइए अधिकारी ही दोषी क्यों है, जिसका मंत्रालय है जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनको उसका अवैध रूप से वसूली जाती है, वो दोषी क्यों नहीं है, कोई भी महकमा हो। पिछली सरकारों पे तो आरोप लगाते हैं उसका मंत्री दोषी था, इतने करोड़ का घोटाला, उस समय अधिकारी दोषी नहीं थे, अब इस सरकार के अंदर दोषी अधिकारी थे, मलाई खाई के बाद 2014 से पहले जैसे राजनाथ ने कहा बोला हमारे दौर में इस्तीफे नहीं होते, पहले इस्तीफे होते थे उनके कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में इस्तीफे नहीं होते, बैन है इस्तीफों पे। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, अब पिछली सरकार में तो सबके इस्तीफे मांगते थे और पिछली सरकार के कुछ मंत्री थे वो नैतिकता के नाते भी इस्तीफा देते थे और अपनी गलतियों को मानते थे, पर ये तो इतने बेशरम और चिकने खड़े हो गए हैं, अगर इनके सामने आप इनकी गलतियों का पिटारा लाकर खोल भी देना
तो भी ये नहीं मानते। इसका ताजा तरीन उदाहरण अभी शिक्षा मंत्री का है, नीट का मामला देखिए कितनी बेशर्मी से उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठी बातें कुछ नहीं, उसके बाद पकड़े गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जब सब कुछ इनके सामने खोल के रख दिया गया तो इतने बेशर्म और नंगे हो गए हैं, अब चिकने घड़े हो गए कि आप इन पे कितना भी पानी डाल लीजिए इनके ऊपर कोई असर नहीं है, केवल इनका एक देर है सत्ता में रहना और पैसा कमाना। के ग्राउंड और दूंगा मैं सोचता हूँ 5 मिनट कैसे जी, 1.5 मिनट का समय देखिए, यही वजह है कि जो टिकट के दावेदार हैं जब हम उनसे इंटरव्यू की बात करते हैं दूर भागते हैं कि मोहनलाल जी से अगर सवाल जवाब किया तो टेढ़े सवाल जवाब कर देंगे, वो इसीलिए दूर भागते हैं। अरे इतने सारे दावेदार हैं, हम सबसे कह रहे हैं आइए आपसे बातचीत करते हैं, आप टिकट के दावेदार हो, वो 1 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। वजह क्या है, यही चीज है क्या कि हम उनसे पहले ना पूछ लें क्या विधायक बनने भ्रष्टाचार बनने के लिए विधायक बन रहे हो केशव जी? केशव जी अनम्यूट करें अपने आप को। केशव जी आवाज आ रही है? केशव जी आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है केशव जी का तो नेटवर्क है। बोबीराव जी मोहनलाल जी यही वजह है कि ये सारे दूर भाग रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं टिकट के दावेदार मैदान में आए, कौन कौन टिकट के दावेदार हैं, क्या कुछ है, इसलिए दूर भागते हैं क्या? चार न्यूज के कैमरे से टेढ़े सवाल ना करे। और देखिए आज भी एक मंत्री जी को सुन रहा था, मीडिया उनसे सवाल जवाब कर रहा था, और जितने एंकर की जितनी आवाज थी ना रिपोर्टर की, मंत्री जी की उससे आधी भी आवाज नहीं थी, और ऐसे बोलते फुसफुसा करके कान में कि जैसे धीरे धीरे माइक में की आवाज ना जाए लोगों तक। मोहनलाल जी बीजेपी ने पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में एक नया प्रयोग किया है, जितने 9 सखीय उठाई गिरे गली के छाप लीडर हैं, मतलब जो लोग थे उनको लीडर बना दिया। अब जो व्यक्ति 5 आदमी के बीच में नहीं बोल सकता उसको विधायक बना दिया, जो व्यक्ति किसी मोहल्ले में खड़े होकर स्पीच नहीं दे सकता 200 आदमी में नहीं बोल सकता उसको सांसद बना दिया, ये इनके प्रयोग है। एक मिनट 3-4 प्रवक्ता है यहाँ पे, सारे प्रदेश प्रवक्ता है। सर सुनिए, सर सुनिए, लोकल मीडिया से बात नहीं करते सर, हम डिबेट में बड़े 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 चैनल में बोलो। सर बात तो सुनो ना, अब क्या है कि ये अगर किसी कमजोर व्यक्ति को या किसी भ्रष्ट व्यक्ति को सांसद या ये विधायक ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो उनसे फायदा है कि है ना, ये लोग पार्टी के सामने नहीं बोल पाएंगे। मैं अगर एक नाकामयाब इंसान हूं, मैं बोल नहीं पाता और मुझे विधायक बना दो तो फिर तो लॉटरी खुली हुई है, मेरे को पता है भाई तेरे को जो मिल रहा है चुपचाप ले ले, बोलने का विरोध करेगा या तो एक तो विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उस काबिल ही नहीं था कि मुझे पद दे दिया गया। तो अब लोग जो पार्टी में आप देख रहे हो, चाहे आप किसी भी विधानसभा में, आप हम पूरी हरियाणा की बात नहीं कर रहा, आप अगर दक्षिण हरियाणा की बात कर लो गुड़गावा से लेके नांगल चौधरी तक, आप ही कह रहे थे कि एक सीट पे 8-9 दावेदार है, तो वो सारे दावेदार कोई 1000 वोट का, कोई 1500, कोई 2000 वोट से फालतू कैंडिडेट नहीं है। और उसकी वैसी मानसिकता है, वो उतनी सोच के छोटा सा आदमी है, छोटा सा कार्यकर्ता है, वो उसी उम्मीद में बैठा कि तेरे से पहले बना दिए, शायद हो सकता है कि तेरी लॉटरी ऐसे खुलेगी तू भी बढ़ जाना वहां। तो ये जो ऐसे कम पढ़े लिखे आदमी या बिल्कुल ऊपर की मंजिल जिनके पास नहीं है, उनको अगर हम अपना चुन के जनप्रतिनिधि बना के भेजेंगे तो ये तो हालात होने हैं। अब सेक्टर 3 की जो सड़क की बात कर रहे हैं आप, सेक्टर 3 की सड़क खुद के बननी थी, पिछली बार काफी झगड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी सड़क के ऊपर सड़क नहीं बनेगी, पहले जो मेटेलिक एरिया है वो निकाला जाएगा, खोदी जाएगी, फिर बनाई जाएगी। सेक्टर 3 में इनमें सड़क के ऊपर 4 इंच की लेयरिंग डाल दी और सड़क बनानी शुरू कर दी। अभी आप हालात देखो, 3 दिन के बाद बारिश हुई है, जो सड़क साई सड़क उखड़ गई है। तो दक्षिण हरियाणा तो इनकी भ्रष्टाचार की लेबोरेटरी है, भ्रष्ट बनवाई लाल मंत्री, रेवाड़ी की छोड़ो, पूरी हरियाणा की सबसे भ्रष्टम नगर पालिका नगर परिषद चेयरमैन तो वो रेवाड़ी की, वो मोहद्दे भी बैठी है अनपढ़ औरत, बना दिया चेयरमैन जिसको ये नहीं पता कि सड़क, अरे सुप्रीम कोर्ट है, कोई कोर्ट भी है, कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, उनको पैसे से मतलब है, आने तक अफसरों से मिलकर अपना अपना घर भर रहे हैं, अपने मौज मार रहे हैं।
इनका तो इलाज मैंने आपको बताया कि जनता इनका 3 महीने के बाद अपना आप इलाज कर देगी, इनका इलाज कंफर्म है। 3 महीने के बाद इलाज करेगी। सुरेंद्र जी, तो लगता है बदलाव आएगा या चुनाव में इसका नजर देखने को मिलेगा 30 सेकंड में? बिल्कुल मोहनलाल जी, लोकसभा के मोहनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा में और खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जिले में भाजपा के लीड की थी उम्मीदवार ने, अब विधानसभा के अंदर बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे बोबी राव जी कह रहे थे कि पंचकुला के अंदर अमित शाह जी ने राव साहब के मौजूदगी के अंदर जब वहां नायब सिंह के सैनी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो पूरे दक्षिण हरियाणा के लोगों में बड़ा भारी इस बात का रोष है कि राव साहब कब तक ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कराएंगे। ठीक है, कैसे जी जुड़ गए, कैसे जी मोहनलाल जी। अरे मोहनलाल जी, इतने दर्जन भर नेता घूम रहे हैं, एचआर न्यूज के कैमरे से क्यों दूर भागते हैं? मोहनलाल जी, नहीं मैं ये कहता हूँ, अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो जनता तो उनका इलाज कर देगी ना, जनता इलाज करेगी मोहनलाल जी। अरे टिकट के दावेदार बन रहे हैं वो। अरे मोहनलाल जी, टिकट है उनको, ऐसा पत्रकार चाहिए जो वो बोल दे, अपनी बात रख दे, अपना प्रचार प्रसार कर दे। मोहनलाल जी, वो रिंगस या खाटू श्याम की टिकट नहीं है, वो हरियाणा के विधानसभा की टिकट है, ऐसे नहीं मिलती टिकटें। ये सब कहने की बातें होती है कि सबको टिकट चाहिए। नंबर दो, अभी बोबी राव जी कह रहे थे कि बनवारी लाल जी भाई खट्टर साहब को पास उनका भी उसका हिस्सा पहुंचता होगा। किसने टिकट दिलाई थी उनको? किसके आदमी है वो? किसके साथ पत्रकारों के साथ घूमते हैं? कौन से इलेक्शन में किसके साथ थे? सबको नहीं पता है। तो बोबी राव जी, हो सकता है कि वो पैसा राव साहब के पास भी जाता हो। आपको ऐसे एक सिंसियर आदमी पे, खट्टर साहब पे इल्जाम लगाने से पहले जो राव साहब ने जिन्होंने टिकट दिलाई तो उनके पास ही पैसा जाता होगा। और रही नगर परिषद की बात, नगर परिषद की जो है चेयरमैन, वो भी तो अपने राव साहब ने टिकट दिलाई, तो हो सकता है यहाँ से ही पैसा उसके पास जाता हो। जब इन्हें भाई कहते थे अधिकारी पैसा नहीं खाता, जब इन्हें भाई कहते थे अधिकारी पैसा नहीं खाता। बोबी राव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोबी राव जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कृपया बात राव की क्षमता रखा करो। बात आप सब, मैं आपके बीच में, मैं आपको टोका नहीं था। अरे आप इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे मुरबी जी, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? परसों अगर अमित शाह जी ने कह दिया कि नायब सैनी के बाद में इलेक्शन होंगे, तो राव साहब के आप है उनसे कहे अपने हिसाब मन से लड़के देख ले, एक भी सीट नहीं लेंगे तो चौधरी से पढ़े ऐसे वैसे नहीं पढ़ा, उठाई बकवास कर रहे। तो चलता हुआ रोड का आदमी अपने आप को राव साहब का आदमी बताने वाला बड़ा सुतम है, एक ईमानदार आदमी इल्जाम लगा रहा है। पहले अपने घर से पूछ कर लिए, पहले अपने घर से इल्जाम लगा भी, फिर किसी पर इल्जाम लगाना आए बड़े राव साहब का नुमाइंदा। देखो मोहन लाल जी, अगर ये पर्सन पे कहे ना तो फिर तो उतार दूंगा चैनल पे, बिल्कुल होगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आवाज में, ऐसे अभी साल भर पहले तो तूने भी नौकरी के नाम में ठगे थे आदमी, वो शहर मास से ऐसे नहीं, व्यक्ति से नहीं, लंबी लंबी बात करता है। आवाज बंद करो भाई, आवाज बंद करो। विनय जी को चालू करो, विनय जी। हाँ जी सर। विनय जी देखे, ऐसे पर्सनल अटैक नहीं है, हम जब बात कर रहे हैं मुद्दे की कर रहे हैं, टिकट के दावेदारों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बरसात में सड़कें बनाई जा रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम पर्सनल अटैक करने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं किसी पे। हम ये कि भाई 2024 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, 5 सीटों का नुकसान करने के बाद भी कोई बीजेपी सड़क लेगी या नहीं लेगी? ये धरे धराए कांग्रेस को थाली के अंदर मुद्दा दे देंगी। देखिए मोहन जी, इस बार भाजपा ही भाजपा को हराएगी, बड़े पैमाने पर हराएगी।
उसके अंदर कई चीजें हैं जो साथ शामिल हो जाएंगी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी प्रदेश के प्रति जितनी भी विफलताएं रही हैं, उनका जो ढीला रवैया रहा है, प्रशासन पे जो उनकी पकड़ नहीं रही, पूरे 9.5 साल सरकार के अंदर प्रशासनिक अधिकारी हावी रहे हैं, राजनेता और एमएलए की, भाजपा के एमएलए की तो अधिकारी फोन तक नहीं उठाते थे, ये खुद उनके विधानसभा के अंदर सदन में उन्होंने कह रखा है, भाषण दे रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, सभाओं में कहते हैं, तक अधिकारी हमारे सुनते नहीं, वो बड़े अपने नेताओं से ये बातें कहते हैं। तो आप मान के चलिए इसका मतलब ये हुआ कि जब मुख्यमंत्री जिसके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई वो मुख्यमंत्री काबिल है या नाकाबिल है, ये कहने की जरूरत नहीं है। किसी का लगाव किसी के प्रति हो सकता है, कोई किसी मुख्यमंत्री का खास हो सकता है। अभी एक और मामले को थोड़ा सा मोड़ दिया केशव जी ने कि भाई अभी जो है अमित शाह जी आए थे गृह मंत्री जी और बोले नारायण सिंह सैनी के नेतृत्व में, उस पर हमने डिबेट भी की थी, राव इतने कमजोर तो नहीं है कि चुप होकर के बैठ जाएंगे भाई, राव आप दरकिनार करके आप सीटें ले लेंगे क्या दक्षिण हरियाणा में, या इतने बड़े कद्दावर नेता दक्षिण हरियाणा में है, नरबीर हो, लक्ष्मण हो, या आपके कापड़ीवास हो, या सतीश खोड़ा हो, या कोई और नेता, कौन ऐसा कद्दावर नेता जो सीट दिला सकता है। मोहन जी बात में वही कर रहा था, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के नए नए प्रयोग कर रहे हैं उस तरह से हरियाणा सरकार में इनको विफलताएं मिल रही है। पहला प्रयोग इनका सिद्ध नहीं हुआ, दूसरा प्रयोग अब इन किया, अभी असमंजस में है, मुख्यमंत्री पहले कैसे बदले हैं, अब चुनाव उसके फेवर साथ नहीं लड़ते हैं, उसकी अगुवाई में नहीं लड़ते हैं, तो मैसेज ये जाएगा कि दूसरा मुख्यमंत्री भी फेल हो गया इसलिए तीसरे की अगुवाई में लड़ रहे हैं, तो ये उनकी मजबूरियां हैं। मगर बात करें, मैंने पहले कहा कि भाजपा को भाजपा ही हराएगी, विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, भाजपा के नेता ही भाजपा को हरा देंगे। अब बात करें हमारे माननीय सांसद साहब की, उनका कद है या नहीं है वो हरा सकते, बात वो नहीं, बात ये है अगर जिस तरह से इन्होंने ये चुनाव माननीय हमारे सैनी साहब के साथ लड़ने का, उनकी अगुवाई में लड़ने का जो कहा है, उसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा के वोटर ही हरा देंगे भाजपा के नेताओं को, राव साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर राव साहब विरोध करेंगे तो ही हारेंगे, राव साहब फेवर भी कर देंगे किसी का तो भी वो विधानसभा विधायक हारेगा, ये भी आप लिख लीजिए, क्योंकि जनता ही विरोध में आ जाएगी, जनता इस कदर विरोध में है। अब ये आखिरी मौका था दक्षिण हरियाणा के लिए, उस पर भी अमित शाह ने पानी फेर दिया है, और ये नए नए जो प्रयोग कर रहे हैं उससे जनता दुखी हो गई है, दक्षिण हरियाणा को उनको नहीं मिल रहा है उनका, तो इसलिए आप ये समझ के चलिए अगर राव साहब अगर विरोध करते हैं तो 100% हारेंगे विधायक यहां से भाजपा के, और अगर वो नहीं भी करते हैं तो जनता उनको हराने के लिए तैयार बैठी। आपको लगता है राव को पर लॉलीपॉप देके मनाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि 14-19 का इतिहास हमने देख लिया है, आप राव से नाराजगी लेकर के 19 में आपने ली 73 बार का नारा लगाया, 40 में सिमट के 14 में राव को खुश करा था, आपको 10-12 सीटें जिता दी, 19 में राव के साथ जिस तरीके का टिकट वितरण को लेकर के व्यवहार किया गया कार्यालय में, उसका खामियाजा पार्टी को तो भुगतना पड़ा। देखिए मोहन जी, पार्टी को तो भुगतना पड़ेगा, मगर आप एक चीज मान के चलिए कि राव साहब केवल गाए बगाए एक आध सभाओं में अपनी चार लाइनें कह के चुप हो जाते हैं, उनमें मुखर होके विरोध करने का मादा नहीं है। आप बेशक अमित शाह कह गए अगुवाई में सैनी साहब की में चुनाव लड़ा जाएगा, मगर राव साहब की नाराजगी तो वो दिखा देंगे अगर वो अपने दफ्तर कार्य नहीं, अगर उन्होंने गुब्बारे में आग पिन भी चुभो दी अपने गुस्से की, आप अगर मगर का सवाल ही नहीं है ना, आप वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, राव साहब केवल इतनी नाराजगी दिखा सकते हैं, अगर वो अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, सरकार की मीटिंगों में नहीं जाएंगे, बस अब मैं नाराज हूं जी, फूफे की तरह रूस के नाराज होकर बैठ जाएंगे अनिल विज की तरह। रोहतक कहां है सम्मान समारोह में जहां सांसद, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अनिल विज की तरह फूफा बढ़ के नाराज होकर बैठ जाएंगे, उसके अलावा की कार्रवाई करने का उनमें दम नहीं है। अगर वो विरोध कर सके रह के खुले रूप से, अगर वो अपना दम दिखा सके, वो मादा उनमें भी नहीं है आज के समय में। चलिए मेन तो राव साहब पे आ गए बात, लेकिन अभी जो हम बात भ्रष्टाचार की कर रहे थे, क्योंकि लगातार हम इसका अगला एपिसोड फिर करेंगे, क्योंकि टिकटों के दावेदारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो हालात और स्थिति है कि जो टिकट के दावेदार है एचआर न्यूज के कैमरे से क्यों दूर भागते हैं, जिस तरीके से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, शहर पानी के अंदर डूब रहे, कोई एक जो टिकट का दावेदार है कोई आम जनता को बचाने के लिए पानी की निकासी के लिए कहीं खड़ा हुआ हो दिखाई दिया हो तो समझ में आता है, दावेदार तो बहुत सारे हैं। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।